खबर आ रही दमोह से, जहां पे आजाद शिक्षक संघ ने लंबित मांगन का लेकर धरना प्रदर्शन करो है। हम आपको बता दें, पुरानी पेंशन बहाली एवं अध्यापक शिक्षा संघ ने लंबित मांगन का लेके आजाद शिक्षा संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर स्थानीय कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम को प्रारंभ करो। संघ के अध्यक्ष मुकेश सराफ ने बताया है कि हमने पिछले लंबे समय से अनेक बार रैली कार्यक्रम के माध्यम से और अन्य चीजन का देखत भाई, हमने कई बार रैली भी निकाली, जिसके बाद में सरकार ने आज तक को भी हम उनकी सुध नहीं ली। सरकार अपने रुख पे अभी भी बरकरार है, जिसके बाद में पुरानी पेंशन बहाली करवे की मांग लगातार हमारे कर रहे थे। रिटायरमेंट हो, पदोन्नति हो, लंबित मांगे हो, पेंशन बहाली हो, लेकिन कोई भी चीजें सरकार ने अभी तक हम उनकी मांग पूरी नहीं करी। सरकार हम उनकी मांगन का पूरी नहीं करो ना हम उनकी तरफ ध्यान दे रहे हो, जिसके बाद में मजबूर होके पूरे प्रदेश में संघ ने अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम को निर्णय लो है। वही कड़ी में आज पहले दिन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हम और उनसे पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कि जन्मदिन उनको है लेकिन हम उनका उपहार के रूप में पुरानी पेंशन बहाली दी जाए। हम आपको बता दें, धरना प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश शिक्षक सुरेंद्र कुमार चौबे, ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र पांडे, महेंद्र दीक्षित, ताहिर भाई, यशवंती गायत्री वर्मा और नीरज पांडे, रघुवीर तिवारी, भगवान दास पटेल, रविंद्र नारायण, रवि कुमार भास्कर, मनोज चतुर्वेदी, प्रियंका नायक, शीमच अग्निहोत्री, कामता तंतवाय, अगले दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहे ऐसे इन सब जन को कहवो हतो। एक दो नारियल लगा दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक मिनट दीदी, दीदी एक बार भाई नीचे कर दो। बुंदेली में बोलो, बुंदेली में बोलो भैया। और जिला के सभी अध्यापक साथियों को राम राम। और जो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोगों ने चालू कर दी है, तो हमारा आप सब लोगों से अनुरोध है कि हड़ताल को आप आगे बढ़ाएं। आपके सहयोग अगर मिलत रहे हैं तो जो मुकेश सर आप भी आपके साथ कंधा से कंधा लगा के जब तक बैठे अब तक वे जान है, तय कर लो साथ देने हुए तो हम इतने पे झंडा और डंडा गाड़ के बैठे रहे और बैठ गए हैं, जैसे कि हमारे बी डी भाई ने बोला है। और दूसरी बात हमारी ये जो है कि आज आदरणीय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरा पर आए हैं और संयोग से आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनके जन्मदिन पर हम लोग यहाँ केक भी काट रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से हम लोग निवेदन भी कर रहे हैं कि भैया जहाँ हमारी पुरानी की पुरानी पेंशन है, बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे को सहारा है, भैया ई को हमारे जो है ई को जरूर लागू कर दो, नहीं तो हम कर्मचारी बुढ़ापे में कहूँ ना बचे। आजू बाजू आपको वृद्ध आश्रम खुलवाने पड़े और जाके हम लोगों को रहने पड़ेगा कि हमारे बच्चा हमें हजार दो हजार की वेतन पे हमारे बच्चा, हम उम्मीद करें कि भी हमारा साथ दें। अरे बिल्कुल नहीं दें भैया, जमानों बदल गया है, अगर बैंक बैलेंस है तो बच्चा भी साथ देते हैं भैया। तो हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप भैया लंबी उम्र पाओ, आपके नाम को हम केक काट रहे हैं, लेकिन हमारा भैया जो पुरानी पेंशन उनको जरूर बहाल कर दो। धन्यवाद। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।